What is going on in your life? तफरी चल रही है. अच्छा. Exams खत्म हो गए. हाँ. Exams खत्म. जब आपको पता, मतलब आपको ये पता था कि आप ऐसे अमिताभ बच्चन सर के साथ में सॉन्ग करोगे, तो जब पता चला क्या रिएक्शन था? मेरे को तो खुशी भी नहीं हुई थी. मैं तो अपने दोस्त के घर पे नाइट स्टे कर रहा था. अच्छा. मेरी रोटी की गोलाई माँ, सर्दी वाली रजाई माँ. तो यार आप अपनी क्लास में तो बहुत पॉपुलर होंगे ना, एकदम ये गिटार प्ले कर रहा है लड़का, गर्ल्स एकदम फैन होंगी क्लास से, ऐसा है क्या? अच्छा, फ्यूचर में आगे क्या सोचा है, क्या प्लान्स हैं? मेरे को तो फुटबॉलर बनना. अच्छा. केले बजे मुरली बैठा ऊंची नीची डानियो मां, केले बजे देहरादून से. मैं हूँ आरजे गौरव, और अपने यहाँ देहरादून के स्टूडियो में ना बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं, एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट यहाँ पर आते हैं. और आज मेरे साथ में जो है अपने देहरादून से ही बिलोंग करता है, बहुत यंग है, बहुत टैलेंटेड है, और चाइल्ड प्रोडिजी अगर मैं इसे कहूँ तो कुछ भी गलत नहीं होगा. सो मेरे साथ में आज बात करने के लिए वेरी यंग टैलेंट, जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, 12 साल का ये है, लेकिन काम जो है बहुत ही अमेजिंग कर रहा है. मेरे साथ में यजत गर्ग है. सो एक बार तालियों से वेलकम. सो यजत, पहली बार रेड एफएम के स्टूडियो में आ रहे हो, कैसा लग रहा है? शुरू में थोड़ा नर्वस लग रहा था. हाँ. पेरेंट्स की हेल्प से. थैंक्स. अभी सब सही है? हाँ. इससे पहले कभी किसी रेडियो स्टेशन वगैरह जाना हुआ है? हाँ, यहाँ पे ही देहरादून में गया था, पर okay. बाकी पहले जो गया था वो मेरे को याद नहीं. कोई नहीं, ठीक है. अब ऐसे इंटरव्यूज वगैरह की आदत डाल लो, है ना, क्योंकि जिस तरह का तुम्हारा टैलेंट है ना, बहुत से लोग तुम्हें इनवाइट करने वाले फ्यूचर में भी. सो यजत, अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है लाइफ में, मतलब नाउअडेज व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ? तफरी चल रही है. अच्छा. एग्जाम्स खत्म हो गए. हाँ. एग्जाम्स खत्म. कौन सी क्लास के? 7th क्लास. तो अब 8th में. अभी 8th में. यार मुझे बताओ, ये मैनेज कैसे करते हो, मतलब की पढ़ाई भी करना है, म्यूजिक भी चल रहा है, ये साथ में कैसे मैनेज करते हो? स्कूल में तो पढ़ाई चलती है. हाँ. घर आके होमवर्क वगैरह सब करता हूँ, लेकिन म्यूजिक रोज प्रैक्टिस करता हूँ. कितने घंटे? आधा घंटा रियाज, आधा घंटा गिटार. ये डेली का मतलब है? अच्छा, तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करते हो? हाँ, गिटार प्रैक्टिस करता हूँ. ये जो है ये प्ले कर लेते हो? Yes. और कब से करो? मैं 3 साल से. 3 साल, मतलब जब 3 साल की उम्र थी या अभी? 3 साल पहले से. 3 साल पहले से. अच्छा, 3 साल पहले से. बट म्यूजिक और सिंगिंग जो है वो 7 इयर्स की एज से कर रहे हो? सिंगिंग में 7 इयर्स से शुरू किया. हाँ. पर प्रैक्टिस उससे भी पहले करता हूँ. सबसे पहला सॉन्ग जो तुम्हारा था, वो जो डेब्यू सॉन्ग कहना चाहिए, वो मिस्टर अमिताभ बच्चन के साथ था, ये सच है झूठ है? ऐसा तो नहीं कि कुछ भी झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं यार, ये बात बिल्कुल सच है. और आप YouTube पर जाकर देखेंगे तो माँ नाम से सॉन्ग है, अमिताभ बच्चन साहब के साथ. मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही अनबिलीवेबल बात है किसी भी सिंगर के लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए. आप सोचिए ना, मतलब लोग तो बच्चन साहब के साथ एक बार स्क्रीन शेयर, स्टेज शेयर कर लें, एक लम्हा उनके साथ शेयर कर लें, वो कितनी बड़ी बात हो जाती है. लेकिन यहाँ तो लड़के ने पूरा गाना शेयर किया है भाई. तो उस गाने के बारे में बताओ, मतलब कैसे अमिताभ बच्चन साहब के साथ सॉन्ग हो गया, ये कैसे हुआ? शुजीत सर के ऑफिस में बैठे थे. शुजीत सर का? हाँ. ठीक है. तो कहाँ? मुंबई में. पापा ने, हाँ, मुंबई में. ओके. तो ये पापा ने गाना बताया और कुछ दिन बाद उनका फोन आया. वो इस गाने को लेकर बहुत सेंटी थे. सेंटी थे? हाँ. अच्छा. उनको ये गाना करना है. हाँ, सेंटी गाना. तो उन्होंने बोला था कि वो अमिताभ बच्चन सर को लाएंगे इसमें. My God, जब आपको पता, मतलब आपको ये पता था कि आप ऐसे अमिताभ बच्चन सर के साथ में सॉन्ग करोगे? नहीं पता था. तो जब पता चला क्या रिएक्शन था? मैं तो बहुत, इनफैक्ट मेरे को तो खुशी भी नहीं हुई थी. मैं तो अपने दोस्त के घर पे नाइट स्टे कर रहा था. अच्छा. हाँ. और जब पापा ने बुलाया मैं तो दुखी था, क्योंकि हम लोग तो खेल रहे थे साथ में. तो तुम नर्वस नहीं हुए? नहीं.
नर्वस हुआ. हाँ. वैसे फिर हम उनके ऑफिस में गए. वहां पे हमने वेट किया. हाँ. आए. हाँ. उनसे ऐसा फेस टू फेस मिले, बात हुई, क्या बोला उन्होंने? याद नहीं है. यार तुमने ऐसा व्लॉग बनाना शुरू करा तो मैं याद रहेगा सब कुछ. अच्छा फिर मिले, फोटोज लिए. वो तो इतने ऐसे लंबी हाइट है उनकी, उन्होंने ऐसा गोदी में उठाया तो मैं क्या किया? नहीं, मैं उनके नीचे करा. अच्छा तो जो सॉन्ग है माँ, सुन सकते हैं क्या अभी? सो लेट्स गो, ये गाना सुनते हैं. मेरी रोटी की गोलाई माँ, सर्दी वाली रजाई माँ, मेरा पहला अक्षर माँ, मेरे सबसे भीतर माँ. माथे की पप्पी माँ, सबसे मीठी झप्पी माँ, पानी जैसी प्यारी माँ, कहानी जैसी न्यारी माँ, गुड़िया जैसी भोली, रंगीली रंगोली, मेरी रोटी की गोलाई माँ, स्वेटर वाली बुनाई माँ, छाँव से ज्यादा ठंडी, कांच पे लगी बिंदी, डर लगता है जब रोती है माँ, ना होने पे भी होती है माँ, लोरी जैसी कोमल, मैं बच्चा वो आंगन, मेरी आंखों में भर आई माँ, मेरी रोटी की गोलाई माँ, मेरी रोटी की गोलाई माँ. तो क्या बात है यार, बहुत सही, बहुत बहुत स्वीट, बहुत डीप. मतलब गाना इतना गहरा लिखा हुआ है ना, और आप इसको इतनी खूबसूरत आवाज में सुन रहे हैं, इतनी ऑनेस्ट आवाज में सुन रहे हैं, ये बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन है. सो यजत, आपकी तो फैमिली पूरी म्यूजिकल है ना? पापा भी म्यूजिशियन है, मदर भी म्यूजिक में है और सिस्टर भी म्यूजिक में है. तो मुझे ये बताओ कि घर पर पापा से या मम्मी से डांट किस बात पे पड़ती है? पढ़ाई ना करने को लेके या रियाज ना करने को लेके? डांट पड़ती है मम्मी से, पड़ती है पढ़ाई ना करने पे. अच्छा. और पापा से पड़ती है रियाज ना करने. मतलब दोनों से पड़ रही है. हाँ. और तारीफ किस बात पे मिलती है, अच्छे मार्क्स आने पे या कोई अच्छा गाना गाने पे? अच्छे मार्क्स आने पे भी और गाना गाने पे भी. तो यार आपके तो घर में बिल्कुल एकदम ऐसा म्यूजिकल जैमिंग वाला माहौल रहता होगा कि सब मम्मी पापा सिस्टर तुम सब बैठ के गाना ही गा रहे हो, शाम को बैठ के किसी की जरूरत ही नहीं है, ऐसा चलता है क्या? पूरा दिन तो नहीं, पर पापा म्यूजिक बनाते हैं स्टूडियो में. हाँ. तो मम्मी क्लासेस लेती है तो म्यूजिक तो चलता ही रहता है घर में. सही है. तो यार आपके साथ ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा बचपन से हमेशा हुआ है ना, आप मुझे बताना कि आपके घर में कभी कोई गेस्ट आए है ना, कोई रिलेटिव्स आ गए, गेस्ट आ गए, अरे यजत यार बेटा गाना सुना दो यार, एक बार गाना सुना दो, ऐसा होता है? हाँ. बोलते रहते होंगे ना लोग. तो आप गाते हो या मना कर देते? बस बस हो गया. गा देते हो? पहले शर्माता था. अच्छा अभी गा देते हो? तो बदले में पैसे देते नहीं देते कुछ ऐसा? खुश हो गए नहीं? अरे फिर मना कर दिया कि पेमेंट मिलेगी तो ही मैं गाऊंगा, अदरवाइज नहीं. सही है. अच्छा तो आप तो यार कौन से सेवन्थ क्लास में हो ना, आप एट्थ में जाने वाले हो, तो यार आप अपनी क्लास में तो बहुत पॉपुलर होंगे ना, एकदम ये गिटार प्ले कर रहा है लड़का, गर्ल्स एकदम फैन होंगी क्लास से, ऐसा है क्या? हाय शर्मा गया लड़के को, ऐसे शर्म से आ गई. तो क्लास में भी बोलते हैं टीचर्स या प्रिंसिपल की कभी फंक्शन में, एनुअल फंक्शन है या प्रेयर में, कि बेटा गा दो कोई गाना अपना सुना दो? नहीं, वो जो असेंबली में जो कॉयर होती है उनको ही गाना होता है. अच्छा. मैंने ज्वाइन किया था. हाँ हाँ. तो अभी हूँ कॉयर में. अच्छा कॉयर में हूँ. सही है. अच्छा अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे यू नो एक फिल्म रिलीज हुई भक्षक, जिसका नाम है,
भूमि पेडनेकर उसमें नजर आई, संजय मिश्रा और भी बहुत सीनियर एक्टर्स, और बहुत बहुत जबरदस्त वो यू नो मूवी। आपने ट्रेलर अगर नहीं देखा या मूवी नहीं देखी तो आप जाकर देखिए, आप ट्रेलर से ही आपका मूवी देखने का मन कर जाएगा। सो उसमें एक सॉन्ग है चंदा, राइट? तो उसमें भी एक सॉन्ग है यजत का, और बहुत ही खूबसूरत है, जो आपके फादर ने लिखा और कंपोज किया है ना, और जो है यजत ने वो गाया है। तो यार वो सॉन्ग के बारे में बताओ, और एक तो वो बहुत प्यारा लिखा हुआ है, तो वो सॉन्ग के बारे में बताओ मुझे। किस बारे में सॉन्ग पता है? सॉन्ग क्या कहता है? एक बच्चे के बारे में है जो अपनी माँ को, माँ की याद, जो अपनी मिस कर रहा है, करता है, हाँ, उसको मिस कर रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो इस सॉन्ग को लेकर क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले, कोई सेलिब्रिटीज या फ्रेंड्स या किसी की तरफ से क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले? क्योंकि मैं चलो पहले कॉम्प्लीमेंट दे देता हूँ, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। मतलब सिर्फ इतना कहना कि ये ब्यूटीफुल है ये बहुत ही कम होगा, बट इट इज मच मोर देन दैट। ब्यूटिफुली रिटन, कंपोज एंड देन sung, obviously sung by you, बहुत ही कमाल। तो क्या क्या compliments किसी से मिले बताओ जरा। हाँ, जब खेलने जाता हूँ रोज, हाँ, तो जब वो friends हो जाता, हाँ, अच्छा, friends बोलते हैं, friends सुनते हैं गाना, उन्हें भेजते हैं ऐसे YouTube वगैरह के लिंक, WhatsApp के थ्रू भेजा है, और उनके मम्मी पापा ने मूवी देखी होगी तो उसके थ्रू उन्होंने बताया होगा। ओके ओके। तो हम मूवी की स्क्रीनिंग के लिए मुंबई गए थे, वहाँ पे मेरे लिए कुछ मेरे एज के लिए नहीं थी वो मूवी, तो मैं बाहर देख बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहा था, लैपटॉप देख रहा था। तो जब सब लोग आए बाहर तो डायरेक्टर डायरेक्टर बहुत खुश थे गाने से, और वो पुलकित उसके डायरेक्टर, हाँ जी, और भूमि पेडनेकर को भी गाना बहुत पसंद आया। ओके, डायरेक्टर ने बहुत तारीफ की। वेरी नाइस। तो सुन ले दो लाइन गाने की, दो लाइन सुनाता हूँ, ठीक है। चुप के एक खिलौना तोड़ा है सबने, बीच डगर में हमको अकेला छोड़ा है सबने, क्यों हमारा कोई नहीं इस दुनिया में, सब कहते हैं माँ रहती आसमां में, ओ चंदा तेरे संग क्या रहती है मेरी माँ, क्या मेरे बारे में कुछ कहती है मेरी माँ, पुकारो उसे जो छुपा लेगी मुझको, जहाँ पे कोई देखे ना मुझे, क्या उसे कहता होगा ये कहानी मेरी जो टिमटिमाता है तारा, मेरी आंखों में रहता है हर पल मीठा धुंधला सा सपना तुम्हारा, क्या उसे कहता होगा ये कहानी मेरी जो टिमटिमाता है तारा, हर पल मीठा धुंधला सा सपना तुम्हारा। वाओ, क्या बात है, क्या बात। मतलब आई वाज सिंपली लॉस्ट इन द सॉन्ग एंड इन योर मेलोडियस वॉइस, ऑब्वियसली बहुत बहुत ब्यूटीफुल। सो कौन से सिंगर्स हैं या म्यूजिशियंस हैं जिनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हो, जो इंस्पायर करते हैं? ऐसे तो एक सजाद अली है, एक पाकिस्तानी, उनसे मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिली है। हम जब लॉकडाउन के टाइम पे पापा और मैं हम चेस खेलते खेलते उनके उनकी प्लेलिस्ट लगा देते थे, तो उनके गाने चलते रहते थे और दिमाग में बैठ गए। तो सजाद अली के अलावा मैं मेहंदी हसन, किशोर कुमार, लता मंगेशकर जी और इन सब के गाने सुनता हूँ, और इंग्लिश भी गाने गाता हूँ और सुनता हूँ। उसमें DNCE एक बैंड है, DNCE, और माइकल जैक्सन, तो उनको सुनते रहते हो? हाँ,
क्या बात है. अच्छा फ्यूचर में आगे क्या सोचा है, क्या प्लान्स हैं, क्या करना है? मेरे को तो फुटबॉलर बनना है. अच्छा ये भी ठीक है. सो ये म्यूजिक क्यों कर रहे हो फिर? क्योंकि अच्छा लगता है. ठीक है, तो फुटबॉल का भी मन है क्या? हाँ. अभी तो पढ़ाई और म्यूजिक ये दो चीजों में ही सबसे ज्यादा टाइम जा रहा है, तो फुटबॉल के लिए भी टाइम निकाल लेते हो? हाँ, शाम को खेलने जाता हूँ. तो कहाँ खेलते हो, फॉरवर्ड खेलते हो या कहाँ रहते हो, कौन से पोजीशन पे? स्ट्राइकर. अच्छा स्ट्राइकर रहते हो, वेरी नाइस यार. सो फिल्मों के गाने तो कुछ यू नो जो हमने तुम्हारे सुने, तो अभी कुछ इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स की भी जैसे बात करें तो एक कोई उत्तराखंडी सॉन्ग भी है, कोई फोक सॉन्ग जो तुमने गाया? मुरली एक गाना है. हाँ, उत्तराखंड का फोक सॉन्ग कैल बजे मुरली. ठीक है, तो वो भी तुमने गाया? ठीक है, उसको कंपोज किसने किया? उसको मतलब जो तुमने जो गाया. हाँ. वो कंपोज किसने किया? फादर ने किया. ओके ठीक है, तो वो सुन ले फिर. ऑलराइट लेट्स गो. बात है, सच सूदिंग वॉइस. और यार इस गाने को तो तुमने अलग ही फील और एकदम टेक्सचर इसको अलग ही दे दिया, फ्लेवर अलग ही दे दिया. वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल. तो अभी मुझे फाइनली ये बताओ आगे अपकमिंग सॉन्ग्स कौन से आने वाले हैं, क्योंकि मुझे सुनने में आया है काफी कुछ. घमासान एक मूवी है. ओके, अपकमिंग सॉन्ग है. अच्छा, तो किसकी वो फिल्म होने वाली है? तिग्मांशु धूलिया की. तिग्मांशु धूलिया, जिनको हमने रामा धीर सिंह के कैरेक्टर में गैंग्स ऑफ वासेपुर और न जाने किन किन फिल्मों में, पान सिंह तोमर वगैरह से लेके बहुत उनकी सुपर डुपर हिट फिल्में रही हैं. मूवी डायरेक्टर के साथ साथ वो एक्टर भी बहुत ही लाजवाब है. तो उनकी फिल्म घमासान, उसमें आने वाला है इनका सॉन्ग. तो जो है बिल्कुल आप सुनिए. अच्छा वैसे ये जो सॉन्ग सुना है कैल बजे मुरली, ये कहाँ पर किसी को सुनना हो, कहाँ पर सुनने को मिल सकता है? इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है जिसका नाम है यूके स्टेज. यूके स्टेज. यूके स्टेज. हाँ, उसमें सारे गाने और भी सॉन्ग्स वहाँ पर हैं. हाँ, आपके और भी सॉन्ग्स वहाँ पर हैं. वेरी नाइस. सो आप वहाँ जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं यार यूके स्टेज चैनल को, और वहाँ पर इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स, इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स हैं वहाँ पर तुम्हारे, तो वो सुनने को मिल जाएंगे. और बाकी यजत गर्ग जो है, मैंने जैसे बताया चाइल्ड प्रोडिजी है ना, पूत के पांव पालने में ही जो है वो दिख जाते हैं, और सुर भी जो है इनके पेरेंट्स को बचपन से ही दिख गए. तो म्यूजिक में यजत जो है बचपन से है, और बहुत बढ़िया इतनी कम एज में यार, सोचिए सिर्फ 12 साल की उम्र, और सुजीत सरकार से लेके एंड देन अमिताभ बच्चन साहब से लेके इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ में उनके लिए काम करना, ये बहुत ही बड़ी बात है ना. सो यजत फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट है ना. अपने देहरादून से, अपने उत्तराखंड से निकलकर नाम जो है वो देश भर में और दुनिया भर में छा रहा है, ये बहुत ही प्राउड वाली बात है ना. तो अच्छा लगा स्टूडियो में आके, आज मजा आया? सो आई एम श्योर आपको भी मजा आया होगा, आपने वीडियो एंजॉय की. तो आप लाइक कीजिए, कमेंट करके आप जो है थोड़ा अपना प्यार दिखाइए. वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं. रेड एफएम उत्तराखंड ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए,
और 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बजाते रहो।